84.81 लाख रुपया, पूर्वांचल निधि से 32 सड़कें, विधायक निधि से 75 सड़कें, कुल 117 सड़कें बनवाई गई हैं, जिनकी लागत 5 करोड़ है। बरातशाला 12 बनाए गए हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ 60 लाख है। ग्राम चतनपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से एक गेट बनवाया गया, जिसकी लागत 6 लाख रुपया है। माननीय मुख्यमंत्री त्वरित योजना से 9 करोड़ की लागत से बनी एवं प्रस्तावित सड़कें 32 सड़कें हैं। कोरीपुर से जरियाना में बनी सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। रुस्तमपुर से मरवाही बनी सड़क की लंबाई 4 किलोमीटर है। बड़ाहार से अभयपुर बनी सड़क की 1 किलोमीटर है। नीर निर्मल योजना से 64 पानी की टंकियां स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनका टेंडर भी हो चुका है। 335 हैंडपंप स्थापित कराए गए हैं। जहानाबाद नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाया गया है तथा 4 करोड़ रुपए को अतिरिक्त धनराशि भी दिलाई गई है। नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद का विस्तार करा करके 3 ग्राम पंचायतों को शामिल कराया गया है। जहानाबाद में बाईपास का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद से जाफरपुर सिठर्रा मार्ग का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद में बस स्टॉप का नवीनीकरण एवं सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद कस्बे के अंदर 9 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिंक शौचालय सड़क एवं पेयजल का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद की मंडी समिति में 2 बड़े वेयर हाउस का निर्माण कराया गया है। 8 बड़े पुल बनाए गए हैं। पनिया नाला में पुल बनाया गया है। मानेपुर फतेहरा क्योटरा भरसा इटरा से सराहन, मरवाई गडियारा से सराहन खुर्द से सिकंदरपुर और गौरी का बाईपास और उस पर 2 पुल बनवाए गए हैं। ग्राम बुढ़वा और खदरा में 2 ITI का निर्माण कराया गया है। 1 अमौली विकास खंड के बुढ़वा है, जिस पर ITI का निर्माण कराया गया है। 1 देवमई विकास खंड है, जिसके ग्राम खदरा में ITI का निर्माण हो रहा है। 2 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। 1 गौशाला बुढ़वा में जो अमौली ब्लॉक में है, 1 देवमई ब्लॉक है जिसे भरसौली में। ऑक्सीजन प्लांट का स्थापित किया गया है, जो वो अमौली में है। ग्राम दबसौरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण चल रहा है। किसान सेवा केंद्र खजुआव का निर्माण कार्य चल रहा है। 11 सरकारी नलकूप स्थापित कराए गए हैं। 35 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया है। 30 हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसकी कुल लागत 130 लाख है। 35 खेल के मैदान विकसित कराए गए हैं। ओपन जिम उनमें बननी है। घाटमपुर रजवहे की जो परियोजना के रूप में स्थापित कराया गया, इसकी लागत 451 लाख रुपया है। कोड़ा कैनाल पंप स्थापित कराया गया, जो पंप कैनाल है वो 83 करोड़ की परियोजना है। जो पुराना वाला पुल है, यहाँ से रिंद नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाई जाएगी और जिसका इसी जहानाबाद के बम्बे में पानी डाला जाएगा, ताकि अमौली सिजौली बिजौली माइनर में पानी की कोई कमी ना हो, क्योंकि तेल पे है। 3 शमशान घाटों का निर्माण कराया गया है। अमौली से जहानाबाद मार्ग का चौड़ीकरण कराया गया है। पहुर से खजुआ मार्ग का निर्माण कराया गया है। 6 बड़ी सड़कों को PMGSY का दर्जा दिलाकर के मार्गों का निर्माण कराया गया है। आउम से सपूरा मार्ग है, मकरंदपुर मोड़ से विधवा मार्ग है, गाड़ी से जाफरगंज है। माइनरों की साफ सफाई इस बार जैसी कभी नहीं हुई होगी, इस बार हुई है, बहुत अच्छे से कराई गई है। मंदिर और कुआं और तालाबों के जीर्णोद्धार कराते हुए सुंदरीकरण कराया गया है। विधानसभा की प्रमुख मंडियों में सोलर हाई मार्स लाइटें लगाई गई हैं। अमौली खजुआ दुमई कलाना खजुरिया रोटी चौराहे में लगाए गए। विधानसभा के अंदर गत
ग्राम सभाओं में पंचायत घरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया गया है। 5 बड़े तालाब खुदाए गए हैं जिसमें पिगरुआ, अमौली के 2, आजमपुर गढ़वा, रोटी। सौभाग्य योजना से विधानसभा के विद्युतीकरण एवं जर्जर तारों को बदलने का कार्य कराया जा रहा है। बहुत सारे गांव में हो भी चुका है। जहानाबाद पावर हाउस की गुणवत्ता सुंदरीकरण को देख करके उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला पुरस्कार इसे मिला है, जो 25 लाख रूपये को मिला है। विधानसभा के अंतर्गत स्थापित सभी पावर हाउसों के सभी मशीनों का उच्चीकृत भी कराया गया है। ग्राम लहुरी सराय में 5 MVA का नया पावर हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। जर्जर और लंबी दूरी वाले फीडरों को अतिरिक्त फीडरों का भी निर्माण कराया गया है। विधानसभा जहानाबाद के अंतर्गत गांव-गांव जाकर कैंप लगा करके सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि के लिए लगभग 1 बस बनवा करके जिसमें 15 कंप्यूटर लगाए गए थे और लगा करके कोरोना से पहले 100 कैंप मैंने लगवाए थे और ब्लॉकों में, ब्लॉक मुख्यालयों में भी लगातार कैंपों का निर्माण कराया जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके। जैसे राशन वितरण प्रणाली में भी हम लोगों ने अमूलचूल परिवर्तन किया। 2017 से अब तक राशन गरीब के राशन कार्ड लगभग बन गए हैं। जो कोई किसी आधार कार्ड के कारण या किसी कारण से उसके कटे हैं उसके लिए भी हमने 25 तारीख की तारीख तय किया है कि पुनः कैंप लगा के उन्हें भी कराने का काम करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे जन सहभागिता से बस स्टॉप के अंदर एक शौचालय बनवाया था, एक जहानाबाद के अंदर शौचालय, अमौली के अंदर शौचालय बनाया था, एक धानपुर में जो आश्रम है वहां पे बनाया था। सभी अपने अस्पतालों में जन सहभागिता से, चाहे वो दुबई का हो, चाहे जहानाबाद का हो, चाहे खजुआ का हो, चाहे अमौली का हो, इन अस्पतालों पे भी सुंदरीकरण करने में समाज के जिम्मेदार लोगों से सहयोग लेकर के जन सहभागिता से भी अस्पतालों का सुंदरीकरण कराया है। चाहे वहाँ पेयजल का हो तो ठंडे पानी के वाटर कूलर लगाए गए हैं, चाहे एसी लगना हो या कोई भी काम है उसे करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी जहाँ भी जैसी जरूरत पड़ी है विकास कार्यों को लेकर के अभी भी तमाम ऐसी सड़कें जैसे प्रस्तावित हैं जिन्हें सड़कों का होना है, वो आने वाले समय में जब हम दिसंबर तक अधिसूचना के पहले जब एक बार आपके बीच में आएंगे तो वो जो भी छोटी सड़कें होंगी उनको भी लेकर के आपके बीच में आएंगे। पार्कों का भी निर्माण हो और जहाँ जहाँ जगह हमें उपलब्ध मिल रही वहाँ हम पार्क भी बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे विद्युत के तारों का बदलने का है, पूरी विधानसभा के अंदर जो 1000 लोगों की आबादी वाले गांव है, 1000 से अधिक आबादी वाले गांव है, उन सब में तारों का बदलने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मरों का उच्चीकृत कर रहे हैं। स्वतः पूरी विधानसभा का एक डाटा लिया गया है कि किस पावर हाउस में कितना लोड है और किस फीडर में कितना लोड है, फिर फीडर के बाद किस ट्रांसफार्मर में कितना लोड है, उसको स्वतः ही हम ये मान के चल रहे हैं। जहां 25 KVA का लगा है अगर उसमें लोड है तो उसे 63 कर रहे हैं, 63 वाले का 100 को 150, 150 से 200 मतलब उसके करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके हम लोग विधानसभा पर काम कर रहे हैं।